तो दोस्तों, क्या आपको पता है संदीप महेश्वरी की जो नई वीडियो आई थी फेक गुरु पे, वो अब हट चुकी है, डिलीट हो चुकी है। नहीं पता, आपका भाई बताएगा। हाल ही में संदीप महेश्वरी ने एक वीडियो डाली थी फेक गुरु के नाम के। उसमें जो बताया गया था कि जो गुरु बनते हैं कि हम सात्विक हैं, हम तपस्वी हैं, बट वो एक्चुअली में नहीं होते हैं, उनके बारे में बताया था कि वो गुरु जिनको किसी का चीज़ का लालच नहीं होता, बट आज के टाइम पर वही लालची होते जा रहे हैं। मतलब उन्होंने ये चीज़ भी बताई थी कि जो पहले होते थे गुरु उनके पास भक्त जाते थे, बट आज के टाइम पर क्या होता था कि गुरु भक्तों के पास आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? डिजिटल मीडिया के थ्रू। और जिनको टारगेट किया गया है वो अचारे हैं, मतलब मैं पूरा नाम ले नहीं सकता, बट उन्होंने या उनके भक्तों ने या तो रिपोर्ट करके या किसी और मीडियम के थ्रू वो वीडियो डिलीट कराई है। और इस वीडियो के इवेंट पे मैं पर्सनली गया था और उन्होंने जो कहा था संदीप महेश्वरी ने, जो जो चीज़ें बताई हैं वो फैक्ट्स हैं, वो गलत नहीं बताई है उन्होंने। उन्होंने जो जितने भी गुरु बनते हैं, सदगुरु बनते हैं, वो गुरु की उन्होंने महिमा बताई है कि हाँ, गुरु जो होते हैं वो ये चीज़ नहीं करते कि वो भक्तों के पास आते हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू। और उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि कभी भी एक गुरु के पास मत जाओ और बहुत सारे आपके पास होने चाहिए ताकि आपको गलत और सही बता सके। क्योंकि एक अगर गुरु, अगर आप मानते हो एक को गुरु वो सही है और दूसरे को मानते, अगर दूसरों के पास जा रहे हो वो कहता है वो चीज़ सही है, तो आपको उन दोनों में फ़र्क पता चलेगा। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बोला था कि एक के पास ना जाके सब गुरुओं के पास जाया जाए। और ये भी कहा था कि अलर्ट रहें कि कितने कितने जो भी गुरु होते हैं वो आपको, आपका ब्रेन वॉश करते हैं। मतलब हर चीज़ उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताई थी, बट वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। और डिलीट का जो रीज़न अभी तक पता चला है वो इसलिए डिलीट की गई है, उनके जो भक्त होते हैं, क्योंकि रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं लोगों के, तो लोग भड़क जाते हैं उस चीज़ पर और उसको रिपोर्ट करते रहते हैं, और रिपोर्ट करते करते वो वीडियो डिलीट हो गई है या तो कंप्लेन फाइल हुई है उस वीडियो के खिलाफ। क्योंकि आज के टाइम पर जो फैक्ट्स हैं उनको लोग नज़रअंदाज करते हैं और लोगों के जो सेंटीमेंट्स होते हैं, जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा अपने आप ऊपर रखते हैं। तो दोनों में उन्होंने ये चीज़ भी कहा था कि बैलेंस बना के रखना चाहिए, आपके सेंटीमेंट्स भी होने चाहिए और आपका ये भी होना चाहिए। क्योंकि मैं पर्सनली वहाँ प्रेजेंट था और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था उसमें। अगर आप वीडियो में देखोगे, कभी भी आती है तो उसमें मैं आपको दिखूंगा भी। तो इसमें बेसिकली ये जो डिलीट करी गई है वीडियो, अब देखते हैं कब तक रिकवर होती है, क्या होता है और क्या उनका स्टेटमेंट आता है। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बता।